नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। राजस्थान डीलरों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, देखे पूरी जानकारी। तो देखते हैं राजस्थान डीलर ब्रेकिंग न्यूज। तो वीडियो को शुरू से लेकर आज तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर, ये राजस्थान डीलर्स का कल्ट्रेट पर प्रदर्शन, बोले मानदेय सहित विभिन्न मांगों का हो समाधान, जयपुर में 20 को मापड़ाव की चेतावनी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान डीलर ने कल्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान डीलर्स का कहना है कि सरकार और प्रशासन की ओर से उनके मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं किया जा रहा। राजस्थान डीलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, अगर मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं होता तो 20 को जयपुर में मापड़ाव डाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राजस्थान डीलर संघ है, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, अगर उनके जो मांगों पर जो सकारात्मक फैसला नहीं आता है तो 20 को जयपुर में मापड़ाव डाला जाएगा। राजस्थान डीलर संघ के मीडिया प्रभारी रुपेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से राजस्थान डीलर अपनी मानदेय की मांगों को लेकर सरकार या प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान समय की डबल इंजन की सरकार कोई राशन डीलर्स की सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा, विपक्ष के समय अजमेर के रहने तक राशन डीलर को न्याय दिलाने की मांग करते थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार आने के बाद अजमेर के राजनेताओं ने मौन धारण कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी 9 सूत्रीय मांगों पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी 20 जुलाई को जयपुर में मापड़ाव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया तो 20 जुलाई को मापड़ाव डाला जाएगा जयपुर में। तो ये अपडेट थी राजस्थान डीलरों से जुड़ी, जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।